रामलाला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे ए नारा ए राम जन्मभूमि आंदोलन आज सफल होइछि समस्त अपेक्षा से जनवरी 22 तारीख को श्री रामचंद्रंकर हेबो प्राण प्रतिष्ठा आम सहित रहिछन्ति महंत पवन कुमार साधुजी तांक सहित सीधा सल आलोचना करबा स्वागत है आपका अर्गस न्यूज से समस्ते बाबा को जेते बेले कहंती उच्चे खड़क वाली माने कठो पिंधि के बाबा सब चाहते कैमेरा पर्सन को कभी पूरा अपन को चित्र देखाइबे प्रथम अपन के चित्र देखाइबे तापर हमें बाबा सहित तो आलोचना करबा बाबा थोड़ा हम लोग को बताए ना क्या अनुभूति है रामलला को लेके वो अनुभूति निश्चिंत अद्भुत होगा अद्भुत होगा अद्भुत ये हमारा राम जी की कृपा से ही सब हो रहा है क्योंकि करें करावे भंजे सोई सब राम जी करते हैं सबको नचा रहे हैं यही अच्छा करते हैं बुरा तो हम लोग कर लेते हैं लोग कर लेते हैं अपनी मति से जो भगवान का हो के रहता है वो हमेशा अच्छा ही करता अच्छा सोचता राम जी ने कभी किसी को गलत तरीका नहीं बताया गलत नहीं बताई गलत आदर्श नहीं बताया गलत चर्चा नहीं गलत सत्संग नहीं दिया उन्होंने केवल अपने आदर्श प्रस्तुत किए कि क्योंकि जो राम के आदर्शों पर चलेगा उसका कभी अपमान नहीं होगा हमेशा सम्मान होगा और उसको पावन शक्ति मिलेगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को राम जी ने स्वयं बुलाया है अपनी शक्ति लेकर के कि भैया आओ हमारा जो अयोध्या की प्रतिष्ठा है मर्यादा है क्योंकि अयोध्या की मर्यादा से पूरे विश्व की मर्यादा बचेगी इसलिए हमारी स्थापना करो बालक रूप में क्योंकि सब भटके हुए हैं नेतागिरी करके भटके हुए हैं तो फिर आप आओगे तो आपके अंदर जो सात्विकता जो सनातन पद्धति है जो सनातन धर्म है वो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भर दिया हूं मैं और आ करके हमारी स्थापना कराओ जब हम स्थापित हो जाएंगे अयोध्या में तो सारे विश्व का कल्याण होना शुरू हो जाएगा और सब में शांति आ जाएगी विरोध भास खत्म हो जाएगा इसलिए मैं सबसे प्रणाम करके कहता हूँ चाहे जो जगत गुरु हूँ शंकराचार्य हों या नेता हों देशी हों विदेशी हों सबसे हाथ जोड़ प्रार्थना की राम का हो रहोगे तुम्हारे हमेशा मर्यादा देश बचेगा आपका कुल बचेगा खानदान बचेगा संपत्ति बचेगी और युद्ध नहीं होगा इसलिए हमारा कहने का मतलब राम जी हमेशा शांत पर रहे हैं और दुष्टों का संघात तो अपने आप हो जाता है ना इसलिए हमारे राम जी का यह संदेशा है कि जो मोदी जी योगी जी कर रहे हैं वो राम जी के द्वारा कर रहे हैं उनको जो प्रेरणा आंख मूंद करके मोदी जी देखते हैं कहाँ क्या होना चाहिए तुरंत तो शुरू हो जाता है आंख में मुझे देखा कि वहां रुपया गर्द जमा किए हैं लोग 420 लोग चोर लोग जल्दी छापा डालो तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं छापा डाल करके वो पकड़ लेते हैं अभी ऐसा हुआ कभी कहीं नहीं हुआ मोदी आए जितने चोरों को पकड़ने और चोर हैं परेशान कि दादा मेरा तो सब जा रहा है वो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना सोऊंगा ना सोने दूंगा वो तो भजन कर रहे हैं और राम के सहारे हैं कभी आलस्य नहीं कभी बुखार नहीं कभी खांसी नहीं कुछ नहीं दिन रात चल रहे हैं राम के लिए राम का होकर राम के लिए चल रहे हैं हम संतों का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है क्योंकि वो हमारे हैं वो बहुत बड़े महापुरुष हैं उनके अंदर संदेह करना ये हमारी मूर्खता होगी और उन पर विरोध करना ये लोगों की तुच्छ बुद्धि है उसके लिए मैं किसी को मैं कह नहीं सकता लेकिन हाथ जोड़ता हूँ कि हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो ज्ञान दो वो आपको पहचाने आपको आदर्श को पहचाने कि राम क्या है राम के आदर्श क्या है सबको सद्बुद्धि आओ चाहे किसी पार्टी का हो किसी देश का हो किसी जगह का हो उससे मेरा लेना सब मानव है मानव को आदेश देना हमारा धर्म है इसलिए हमारे राम जी जन्म लिए अवतार लिए जो सबको आदर्श दिया पूरे विश्व में भ्रमण किया सबको आदर्श दिया और दुष्टों को जो ज्यादा आताई थे उनको हमने समाहित कर लिया चाहे मार करके चाहे डरा करके कैसे भी कि आदर्श दिया अपना इसलिए हम ये सबसे चाहते हैं कि राम का अवतार तो हो ही गया था अब राम जी 22 तारीख को बैठने वाले हैं बड़ा सुअच्छा मुहूर्त है उसमें देश विदेश के सभी लोग आने वाले हैं और उसका इंतजार करके सब लोग क्यों 22 को सीमित व्यवस्था है इसके बाद 23-22 के बाद सब लोग आके दर्शन करें तो राम की बुद्धि आवे राम की नृपता इतनी दिव्य मूर्ति है राम जी की क्या पूछना है सोने दरवाजा भाई जब राम आते तो सारी सिद्धियां रिद्धियां सब लेकर के आ जाते तो सारी रिद्धि सिद्धि अयोध्या में आ गई है राम की चरणों में जो बहुत दिन से छटपटा रही थी कि प्रभु की सेवा में कैसे जाऊं तो इसलिए प्रभु की सेवा करने की सारी रिद्धि सिद्धि अयोध्या धाम में पधार चुकी है अब कोई कुछ करेगा कोई मतलब नहीं अपना मुंह चिल्लाओ मुंह पीटो
कोई मतलब नहीं। बोले सिया रामचंद्र भगवान की सुनते कि सब ठीक से अयोध्या पूरा चित्र देखु साधु आलोचना करूँ समस्त मन में खुशी प्रधानमंत्री मोदी कथा कहतु कि मुख्यमंत्री योगी सरकार कथा कहतु समस्त को धन्यवाद देखते कहीं से बिना नेतृत्व में हे तो आंदोलन सफल हो पार ना तेज साधु मुखर गोटे रामलला भजन शुणा आपके मुख से रामलला के एक भजन रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे बालक राम हरे रघुनंदन अरे राजा राम हरे बालक राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। क्योंकि हम सब भगवान के बालक हैं तो उनको बालक रूप में देखते हैं और हमारे परम पिता हैं। जब बालक रूप में देखेंगे तो सारी सिद्धियां उनके पास रहती हैं। कभी बालक बन के हमारे पास आ जाते हैं, भोजन करने आ जाते हैं। भाई भाव, क्योंकि संतों ने कहा है भाव से भगवान मिलते भाव से मुनि देवता भाव सब में है सिरोमणि भाव भव से खेवता। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए राम में भाव लगाओ, दिल लगाओ, दिमाग लगाओ, दुनिया में दिल लगाओ भगवान में। यही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे शंकराचार्य कोई भी हो, सबसे प्रार्थना है कि हृदय में भगवान को धारण करके विरोध छोड़ करके राम की नगरी में राम का दर्शन करिए, बुद्धि निर्बल होगी, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नियति भाव रे जमुड़ी बाप अपन प्रतिक्रिया सुनथिले से होचंदे भावर ठाकुर तांकठे भाव लगांतु तांकठे हृदय लगांतु नियति से अपन को पाखो कसबे और अपन भगवान को जे रूप रे डाकिबे से अपन को पाखो को सेई रूप रे आसबे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। अपन देखुथिले साधु को सहित आमे प्रतिक्रिया नथुलु तांक सहित आलोचना करथुले एवं से निजरो अनुभूति कहते रामलला को नहीं। अयोध्यारू कैमरा पर्सन अंजन को सह विद्युत प्रभा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।